नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के बारे में। देखा जाए दोस्तों, रणबीर कपूर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको देखने के बाद जो पब्लिक है उनको भर भर गालियां दे रही है और बहुत से लोग उनको गंदे गंदे कमेंट भी करने लग गए हैं। और ये बयान दिया था उन्होंने अपनी आने वाली मूवी रामायण को लेकर के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये क्या राम का रोल निभाएगा। और देखा जाए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भी मूवी आदि पुरुष जैसा इसका बुरा हाल होने वाला है? चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन सब बातों को लेकर के। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप तक ऐसी खबर पहुंच सके। दोस्तों देखा जाए, ये तो आप लोगों को मालूम है कि नीतीश तिवारी रामायण बनाने जा रहे हैं, वो भी 3 पार्ट में, और इसमें राम की भूमिका निभाने वाले हैं रणबीर कपूर। और देखा जाए दोस्तों, रणबीर कपूर ने इसी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया है कि जब तक रामायण मूवी की शूटिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं कोई ड्रिंक का प्रयोग नहीं करूंगा और मैं राम के कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करूंगा। फिर क्या था, ऐसा उन्होंने बोला, इसके चलते ही पब्लिक उनके ऊपर भड़क गई। पब्लिक का कहना है कि ये तो वो आदमी है जो खुल के बोलता है कि मुझे बीफ पसंद है, ये क्या छोड़ेगा मांस मदिरा। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहा है, ये क्या राम का रोल निभा पाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है ये सिर्फ हाइप बनाने के लिए ये सब उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसके बस का कुछ नहीं है, ये ठरकी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये राम का रोल नहीं निभा पाएगा और इस मूवी का भी हाल आदि पुरुष जैसा हो जाएगा। देखा जाए दोस्तों, उनके इस कमेंट के बाद पब्लिक थोड़ा नाराज है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में रणबीर कपूर जब रामायण मूवी की जब तक शूटिंग करेंगे तब तक वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम रामायण मूवी के बारे में बात करें तो ये कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। नीतीश तिवारी इस मूवी को 3 पार्ट में बनाने वाले हैं और इस मूवी में काफी बड़ा बजट लगेगा और इस मूवी को बनाने के लिए काफी ज्यादा समय भी लगेगा। तो आपको क्या लगता है, इतने समय के लिए रणबीर कपूर मांस और शराब का सेवन छोड़ सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं, क्या ये मूवी आने वाले समय में हिट होगी, क्या इसका भी हाल आदि पुरुष जैसा ही होगा? तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।